कितना कमा लेती हो? मिर्जापुर चलो, चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना। जो तुम्हारा एक स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। तुम बस एक साल के लिए सब कुछ कट ऑफ कर दो। क्यों फालतू में जाते हो इन लोगों के साथ? तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। हमारे घर में लोग आते थे तो जिसके बाप जिस पद पे होते हैं उसके रिलेटिव उसके घर वालों को वैसी ही राय देते हैं। अगर तुम्हारे पिताजी बैंक के बाबू हैं फॉर एग्जांपल, और तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे कोई घर आया जो डीएम वीएम है और तुमने उससे कहा कि मैं भी डीएम बनूंगा, तो वो जानते हो तुम्हारे घर वालों से क्या कहेगा? पहले तो आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आ गया तो तुमसे ही कहेगा पहले बैंक वैंक दे लो, पहले थोड़ा बेस कुछ एक नौकरी हाथ में ले लो। डीएमओ की नौकरी ऐसे लगती नहीं है जल्दी। हमारे यहां उत्तर भारत में इसीलिए तो कहावत है कि बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिए भगा है। तो हमसे जब कोई कहता था तो हमारे पिताजी हमको पीछे से बैक कर देते थे, अगर याद है, वो हमको कभी कुछ नहीं कहते थे। से हमको किसी मेरे रिलेटिव ने कह दिया, अरे हो इसमें रा करो, ज्यादा उड़ा मत करो, समझे? तुम्हारा पिताजी हमको जब मिले धीरे से याद है पत्थर मार के, कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो छोटे घर के होके, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओगे। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है तुम वहीं तो पहुंचोगे। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? सोचो तुम्हारे अंदर वो विचार ही नहीं है तो वो तुम बनोगे? सीड ही नहीं है। इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो। अब भाई आज खरीदना है, सोचना अपना खुद का एयरपोर्ट बनवा ले, किया करो। घबराए मत करो, शर्माए मत करो, डरा मत करो। और बहुत सीरियस हो गए, कानपुर के बाहर जमीन देख रहे हैं 300 बीघा, क्यों? एयरपोर्ट बनवाना है। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो, पर तुम्हारे अंदर धीरे 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 बोलते 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 वो सबकॉन्शियस में तुम्हारे बैठ जाएगी, उसका तुमको जीने नहीं देगी वो। अरे हमारे पास पैसा नहीं है, उत्साह तो है, और दुनिया की सारी लड़ाइयां उत्साह से जीत दी जाती है। इसलिए ये अमीर जो है ना, जिनके पास पैसे नहीं होते उनको गरीब कहते हैं, डिमोरलाइज करने के लिए। गरीब के बच्चे हो तुम भिखमंगे के बच्चे हो। वे हम गाय गरीब के बच्चे हैं, तुम्हारे पास हमसे पैसा ही तो ज्यादा है, और दौड़ा लेंगे हॉकी लेके तुमको, फिर क्या करोगे? चिट्ठी लिखेंगे गाली वाली, उसको अफ्रीका से पोस्ट कराएंगे, फिर तुम यही सब। मेरी बातें जो है बहुत, ये बातें तुम्हें लगता होगा बहुत बड़ी बातें हैं, अपने तुम जो तुम्हारा एक स्वाभिमान है ना उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है डीजीपी है नहीं बात कर रहा, तुम भी मत बात करो। भगाओ जब वो तुम्हारे पास उठ के आएगी, और भैया बबलू इतनी देर से सामने खड़े हो, आए नहीं? देख हम सोचे आप बिजी हैं, तो बदतमीजी नहीं करना है लेकिन कहना कि नहीं हमें लगा आप बिजी हैं तो हम इधर चुपचाप खड़े। देखना तुम्हारा इनर सेल्फ कितना मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि मदद तो तुम्हारी वही से भी कोई नहीं करेगा। और कभी कभी जब सामने वाले की बलि लेनी होती है तो उसको मौका दिया जाता है। कितना कमा लेती हो? मिर्जापुर चलो,
देखो कैसे अखंडानंद उसको छूट दे रहा है। यहाँ पूछो पूछो और पूछ पूछ लिए, आइए बैठिए। क्या जरूरत थी बड़े बड़े लोगों के साथ टहलने की, ना तुम शूटर हो, ना ठेकेदार हो, ना पूंजीपति हो। फर्जी किसी भी आदमी के साथ अनायास मत रहा करो, और राजाओं के साथ तो बिल्कुल मत रहा करो। कोई राज उनका जान जाओगे फिर तुम्हारी जिंदगी उनके लिए खतरा बन जाएगी। मैं देखा हूं बहुत लोगों को शौक है विधायक के साथ, मंत्री के साथ, मत रख, फालतू में क्यों रह रहे हो। अभी देखो दो तीन लोग मरे हैं, अभी एक भाई साहब कल विधायक के घर में फांसी लगा के मरे हैं। 15 दिन पहले लखनऊ में एक भाई साहब को गोली लग गई थी। इन्हीं लोग की गलती है, क्यों फालतू में जाते हो इन लोगों के साथ? क्या मतलब है? थोड़ा सा सामाजिक रुतबा बढ़ता है। मंत्री जी के साथ रह रहे हैं, तब भी जिसको पीटना है वो तुमको पीटेगा, रहो चाहे तुम जिसके साथ, तुम चाहे जिसके साथ रहो। और क्या जरूरत है? चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। तो जहां जाते हैं मना करते हैं, भैया सेल्फी ना लो ना लो, तब पर भी लोग मानते। इतना मैं उल्टा सीधा बोलता हूं, मैं बिंद्राजी वाले प्रोग्राम में थे, वहां मन से मैंने कहा सेल्फी मत लिया करो, बड़ा भिकमंगापन प्रतीत होता है। कोई बॉलीवुड के एक्टर मिल गए मुंबई एयरपोर्ट पे, दुआ सलाम हुई और नमस्कार, हाँ भैया नमस्कार, तो बोले फोटो लेंगे हमारे साथ। मैंने कहा काहे लेंगे, हम शिक्षक हैं। अरे अरे सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं था, कोई बात नहीं। जाओ, घनानंद की औकात नहीं थी। तो शिक्षकों ने अपने आप को दबा लिया है, डरते हैं मंत्री विधायक नेता कलेक्टर देखने वाले। हमको तो सब वैसे कहते हैं कि बदतमीज बहुत है मास्टर ये। ना मैं किसी से मिलने जाता हूं, हाँ कोई कह नहीं सकता। वैसे कहीं प्रोग्राम लगाए चले गए अलग बात है, कभी नहीं किसी से कोई काम नहीं कहता हूं। कि कोई किसी की जिंदगी फंसी है वो अलग बात है, मिलना ही नहीं। तुम भी अपना पढ़ाई लिखाई करो, बैडमिंटन खेल लिया करो, 20-25 राउंड कारगिल पार्क का मार दिया करो, 15 तो हम मारते हैं तो तुमको कम से कम 20 मारना चाहिए। तो जिंदगी में अननेसेसरी बवाल नहीं खड़ा करना है, और कम से कम 1 साल तो मत करो। ये तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरत है अकेले रहने की, सोचने की, लिखने की। ये राज है इस तैयारी का। 1 साल तुम बस 1 साल के लिए सब कुछ कट ऑफ कर दो, 1 साल तुम्हारा 1 साल लेगी ये। और जो जो चीज क्लास में पढ़ाई जाए उसको दोबारा पढ़ना ना हो, रिवाइज करना हो। मैं तुमने जब डायग्राम देखा तो पूरी कहानी रिकॉल हो गई, ये स्थिति आ जाए। और वो तभी आएगी जब तुम घर पर जाकर होमवर्क करोगे, कम से कम 3 घंटा। तो तुम 1 साल इसको दे दो, 1 साल, जो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो तुम्हारा अगला 70 साल संभाल लेगी। सेव करना है उसके लिए बहुत आइसोलेशन चाहिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। बाकी तुम्हें कैसे एंटरटेन करना है खुद को, कैसे अपने आप को खुश रखना है, उसके रास्ते तुम इजाद कर लो खुद। और ध्यान करो,